जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप सब अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नॉलेज एंड करिकुलम के 30 प्रश्न को, और ये वो 30 प्रश्न हैं जो इससे पहले कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो 30 प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे, या एक रिवीजन क्लास होने वाली है, और ऐसे ही करके हम 2 से 3 वीडियो में आपके पूरे सब्जेक्ट्स ज्ञान एवं पाठ्यक्रम को ख़त्म करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मगर कोई बात नहीं। वो कहते हैं ना, जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर क्या मुश्किल और आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। तो बस ठान लिया हमने कि इस बार 100 आउट ऑफ 100 आपको 100% हर एक सब्जेक्ट्स में दिलाना है। तो बस इसी मकसद के साथ और इसी जीत के साथ पढ़ाई हम शुरू करते हैं और रिविज़न क्लास स्टार्ट करते हैं आपके ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के फर्स्ट सब्जेक्ट से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा सहयोग करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं यहाँ पे कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है। कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है, तो आप इसको अपने शब्दों में बिल्कुल लिखेंगे कि शिक्षा क्या मतलब होता है, शिक्षा का अर्थ क्या होता है। देखिए, शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगाने से बना है। इसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना, अर्थात जो भी कार्य व्यक्ति को नवीन अनुभव एवं नवीन ज्ञान प्रदान करता है वह शिक्षा कहलाता है। शिक्षा को जरूरी नहीं कि आप स्कूल में सीखें, यहाँ पे शिक्षा का मतलब सीखना सिखाना होता है। तो कोई भी चीज जो आपको नया ज्ञान, नया अनुभव, नई चीजें आपको सिखाए वो शिक्षा कहलाती है। और शिक्षा केवल विद्यालय में ही प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु शिक्षा हर एक वो इंसान से प्राप्त किया जा सकता है जो हमें नवीन ज्ञान से परिचित कराता है। तो अब ये मान लीजिए आपका शॉर्ट आंसर में पूछता है शिक्षा के बारे में कि शिक्षा की व्याख्या करिए या शिक्षा का अर्थ बताइए, तो आप शुरुआत यहाँ से करेंगे शिक्षा का अर्थ क्या है। ठीक है, अगर शिक्षा का शाब्दिक अर्थ नीचे हेडिंग डालिए शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, या फिर अगर आपसे केवल पूछ लेता है कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए, शिक्षा को हम इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं, और एजुकेशन 2 शब्दों से मिलकर बना है। एजुकेशन आपका लैटिन के एडुकेटम शब्द से बना है। ठीक है, और एडुकेटम 2 शब्दों से बना है, जैसे ई और डी को, ई का मतलब होता है अंदर और डी को का मतलब होता है बाहर निकालना। अर्थात आपका एजुकेशन का मतलब होता है कि इसके अर्थ से हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों को विकसित करने का कार्य करती है, और मनुष्य की अभी क्षमता को विकसित करके उसके कौशल को बाहर निकालती है। तो ये हो गया आपका इसका शाब्दिक अर्थ, मतलब एग्जैक्ट मीनिंग आपके वर्ड से। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछे तो क्या लिखेंगे, शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन कहते हैं, एजुकेशन लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से बना है, और एडुकेटम शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्द ई और डिको से बना है। ई का अर्थ होता है अंदर से, और डीको का अर्थ होता है बाहर निकालना। अर्थात एजुकेशन का मतलब होता है आपकी अभी क्षमताओं को, आपके कौशल्स को, आपकी स्किल्स को, आपकी योग्यताओं को आपके अंदर से बाहर निकालना। ठीक है, ये हो गया एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ। अगर हम शिक्षा की परिभाषा की बात करें तो शिक्षा की परिभाषा आप हेडिंग डाल के ये लिख सकते हैं कि अरस्तु जी ने कहा था कि स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करने के लिए शिक्षा कार्य करती है। ठीक है, तो आपके स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करने का कार्य कौन सी करती है, शिक्षा करती है। अब मैंने वो डेफिनेशन यहाँ पे लिया है जो आसान शब्दों में आपको याद हो जाए। तो अरस्तु ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करने का कार्य शिक्षा करती है, और जॉन डीवी ने कहा था कि शिक्षा मनुष्य के सभी क्षमताओं का विकास है, जिनसे वो अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रख सके और अपनी संभावनाएं पूरी कर सके। यह कहा था जॉन डीवी ने, और वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेशंस जो हमारे भारत के स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि व्यक्ति के आंतरिक पहलुओं की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है, आपके आंतरिक पहलुओं की अभिव्यक्ति शिक्षा। ये किसने कहा था, स्वामी विवेकानंद। दोस्तों अगर शॉर्ट में या लॉन्ग में आपसे शिक्षा के बारे में पूछे तो आप बिल्कुल यहाँ से शुरुआत करिए शिक्षा का अर्थ, फिर हेडिंग डालिए शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, फिर हेडिंग डालिए शिक्षा की परिभाषा, और आप बात कर लेते हैं शिक्षा की प्रकृति के बारे में। तो शिक्षा की प्रकृति क्या होती है, प्रकृति मतलब शिक्षा का नेचर क्या होता है। तो देखिए, एजुकेशन कोई ऐसी चीज नहीं है कि बस क्लास 10 तक पढ़ना, 5 तक पढ़ना, ये तो साक्षरता की बात होगी। शिक्षा ऐसी चीज है ना जो जीवन प्रयत्न चलती रहती है, उम्र के किसी पड़ाव में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। शिक्षा एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, शिक्षा व्यवहार का संशोधन है, इम्प्रूवमेंट ऑफ बिहेवियर है। आपका जो बिहेवियर है ना वो और इम्प्रूव हो जाएगा शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा एक प्रशिक्षण भी है, ट्रेनिंग भी है, और शिक्षा एक सर्वगीण विकास है, कंप्लीट ओवरऑल डेवलपमेंट है शिक्षा। ये हो गए शिक्षा की प्रकृति। चलिए, अब शिक्षा आवश्यक क्यों है, सवाल ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, शिक्षा क्यों आवश्यक है,
अगर शॉर्ट में पूछता है तो आप एक और हेडिंग बना लीजिए, शिक्षा की आवश्यकता क्या है या शिक्षा का महत्व क्या है। देखिए, शिक्षा मनुष्य को सभ्य बनाने का कार्य करती है, ठीक है। शिक्षा प्राप्त करके समाज के साथ समायोजन कर अनुशासन के साथ जीवन जीता है मनुष्य। शिक्षा मनुष्य को आदर्शवादी बनाती है और उसमें नैतिक मूल्यों का विकास करती है, ठीक है। शिक्षा प्राप्त करके क्या होता है, शिक्षा प्राप्त कर व्यक्ति अपने जन्मजात शक्ति एवं योग्यताओं से परिचित होता है और शिक्षा के द्वारा ही एक समाज अपना विकास करता है और अपनी एक अलग पहचान बनाता है। तो ये सारी चीजें होंगी शिक्षा की आवश्यकता। ये बिल्कुल आसान शब्दों में मेरे शब्द हैं, आपको इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं से लिखिए कि शिक्षा की आवश्यकता क्या है, कि कैसे शिक्षा ग्रहण करने के बाद एक व्यक्ति समाज के लिए अच्छा नागरिक बनता है, उसके नैतिक मूल्यों का विकास होता है, एक आदर्शवादी आशावादी व्यक्ति बनता है कि चलो जीवन में दुख कठिनाई परिस्थितियां कुछ भी हो हम आगे और बेहतर करेंगे। तो ये सारी शिक्षा की दोस्तों आवश्यकताएं होंगी। अब आइए, शिक्षा और साक्षरता में अंतर भी आपसे कई बार पूछा जाता है, तो इसको समझिए। अब मान लीजिए कि पहले के जमाने के लोग जो स्कूल्स नहीं जाते तो क्या वो शिक्षित व्यक्ति नहीं होते? तो शिक्षा का कहीं से लेना देना नहीं कि स्कूल में जाके शिक्षा ग्रहण करना। शिक्षा का मतलब आप अपने अनुभवों के आधार पर, नवीन अनुभवों के आधार पर अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लें, आप एक अच्छे व्यक्ति बन जाए, एक शिक्षित व्यक्ति बन जाए, ये होता है शिक्षा। वहीं दूसरी तरफ साक्षरता का मतलब होता है कि हमें पढ़ना लिखना आ गया हो, हम 10वीं तक साक्षर हैं, हमने ग्रेजुएशन तक साक्षरता हासिल की है। कोई जरूरी नहीं कि जो बच्चा पढ़ना लिखना जानता हो वह शिक्षित भी हो। शिक्षित का मतलब आपके अंदर एक अच्छे नैतिक मूल्यों का विकास होना। अब आइए इसके थोड़ा अंतर को देख लेते हैं। अंतर की बात करें तो शिक्षा ज्ञान, उचित आचरण, तकनीकी दक्षता, विद्या आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया है, और विद्या प्राप्त आप किसी बड़े बुजुर्ग के साथ रह के भी प्राप्त कर सकते हैं। साक्षरता क्या है? साक्षरता मूल रूप से पढ़ने और लिखने की क्षमता को संदर्भित करता है। आपको पढ़ना लिखना आता है कि नहीं? चलिए अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न को। ये शिक्षा व्यक्ति को अच्छा व्यक्तित्व प्रदान करती है, जबकि साक्षरता क्या, हमें पढ़ना लिखने का ज्ञान प्राप्त करता है। शिक्षा जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको कहीं ना कहीं शिक्षा मिलना शुरू हो जाता है कि कैसे बड़ों से बात करना है, कैसे बड़ों के साथ उठना है, बैठना है, कैसे खाना है, पीना है, ये सारी अंदर शिक्षा के अंदर आती है। जबकि साक्षरता तो वो है ना, जब वो स्कूल में एडमिशन लेता है या जब वो किताब का कलम उठाता है और वहां से पढ़ना शुरू करता है। तो साक्षरता क्या है दोस्तों? साक्षरता जन्म के कुछ वर्ष बाद प्रारंभ होने वाली प्रक्रिया। चलिए, शिक्षा का मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत, एक इंसान सबसे पहले शिक्षित कहाँ से शुरू होता है? वो अपने घर परिवार, आस पड़ोस, अपने समाज और अपने अनुभव से। जबकि साक्षरता का मुख्य स्रोत क्या होता है? गुरु होते हैं, विद्यालय होते हैं, किताबें पुस्तकें होती हैं। अब आइए, शिक्षा को शिक्षा का मापन अनुभव के द्वारा किया जाता है। कोई व्यक्ति कितना शिक्षित है आप ये समझ सकते हैं उसकी बात करके, उसके अनुभव द्वारा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत लोग ऐसे भी कहते हैं कि इस क्षेत्र के लोग, जैसे कि यूपी के लोग या महाराष्ट्र के लोग या पंजाब के लोग ऐसे होते हैं, उनकी आप एक शिक्षा को आप संदर्भित कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर दे दूं कि आप कह सकते हैं कि केरला के लोग शिक्षित होते हैं या फिर यूपी के लोग शिक्षित, तो आप ऐसे उनके साथ जब बात व्यवहार करेंगे, जब आप अनुभव होगा उसके आधार पर आप इनका मापन कर सकते हैं। जबकि साक्षरता एक दर निकाली जाती है कि इस समाज के कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो वहां से आप साक्षरता दर निकाल सकते हैं। तो साक्षरता दर किससे नापी जाती है? साक्षरता निकालने के लिए जो पैरामीटर है उसको हम साक्षरता दर कहते हैं, इंग्लिश में इसको लिटरेसी रेट कहते हैं। और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहाँ की है? केरला की, और सबसे कम बिहार की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओके दोस्तों, अब अगला प्रश्न है आपका कि विद्या क्या है? ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया। देखिए, विद्या शब्द संस्कृत भाषा के विद धातु से उत्पन्न है, जहां पर इसका अर्थ होता है जानना, विदित अथवा ज्ञान की प्राप्ति होता है। तो विद्या का मतलब आप किसी चीज को जानना, ग्रहण करना, ज्ञान की प्राप्ति करना, ये विद्या शब्द का उच्चारण है, ठीक है। और विद्या शब्द शिक्षा में उच्च श्रेणी माना जाता है। अब आइए, विद्या का मुख्य आशय क्या है? विद्या का मुख्य आशय है कि सत्य असत्य के बीच अंतर को जानना। विद्या आप जब ग्रहण करते हैं तो हमें पता होता है कि ये चीजें सही है, ये चीजें गलत है। इसी को तो हम कहते हैं कि सत्य और असत्य के बीच अंतर करना, इसी को हम विद्या प्राप्त करना कहते हैं। और वास्तविक तथा भ्रम में अंतर पैदा करना, जैसे कौन सा सही है, कौन सा भ्रम है, इसका अंतर को समझना, उन्हें ठीक ठीक से जानना, इसे वेदांत का ज्ञान कहा गया है। शिक्षा को वेदांत का कहा गया है। वस्तुतः ब्रह्म और अविद्या का ज्ञान ही विद्या, ब्रह्म ब्रह्म मतलब क्या ब्रह्म है, क्या वास्तविकता है, क्या सच्चा है, और अविद्या मतलब क्या झूठ है, क्या फ्रेब है, क्या गलत है। तो ब्रह्म और अविद्या का ज्ञान हो जाना ही विद्या कहा जाता है। और विद्या का मूल अर्थ है सत्य ज्ञान तथा विद्या का मूल अर्थ है कि सत्य ज्ञान तथा
परामर्श तत्वों का ज्ञान या आत्मज्ञान हो जाना, मतलब सत्य परामर्श को ज्ञान कर लेना, ब्रह्म और अविद्या में अंतर समझ जाना, सही और गलत बीच को समझ जाना, इसी चीज को हम विद्या कहते हैं। इसके विपरीत अविद्या क्या होता है? तो देखिए, अविद्या के बारे में लिखा गया है कि अविद्या भी एक संस्कृत का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि अज्ञान, भ्रम, मूर्ख तथा विद्या के विपरीत। विद्या के विपरीत अविद्या। विद्या का मतलब था हमें सत्य ज्ञान को जानना, जबकि यहाँ पे अज्ञान, भ्रम और मूर्ख को मुख्त दर्शाता है। अर्थात अविद्या अर्थ, अविद्या का अर्थ हुआ अशिक्षित। यह शब्द बड़े पैमाने पर हिंदू ग्रंथों में प्रयोग किया जाता है, साथ ही साथ उपनिषद सहित बौद्ध ग्रंथों में बहुयातत इसका प्रयोग किया गया है। मुख्य रूप से अविद्या से आशय है अज्ञानता से लिया जाता है, भ्रम एवं अज्ञान भी इसके पर्याय हैं। तो भ्रम, ज्ञान, अज्ञान और अविद्या क्या है, अज्ञानता क्या है, अविद्या का अर्थ है। चलिए दोस्तों, कई बार आपसे विद्या और अविद्या में अंतर भी पूछा जाता है, तो आप पहले तो परिभाषा लिखिए, उसके शाब्दिक अर्थ को बताइए। विद्या और अविद्या में अगर हम अंतर की बात करें तो सबसे पहले आप एक फर्स्ट पॉइंट में विद्या हिंदी सॉरी संस्कृत शब्द के विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ लिखिए कि वहीं दूसरी तरफ लिख दीजिए कि अविद्या जो है अविद्या अज्ञानता को दर्शाता है, वहीं दूसरी तरफ विद्या ज्ञान और अज्ञान में अंतर करता है, जबकि अविद्या अज्ञानता को बढ़ावा करता है, मूर्खता और भ्रम को बढ़ाता है। तो इसी प्रकार से आप इसके अंतर को लिख सकते हैं। चलिए बहुत सही दोस्त, अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहां तक हमने जो बात करी है वो शिक्षा के बारे में बात करी है, ज्ञान के बारे में बात करी। अब यहां से हमारा शुरू होता है फिलोसफी। फिलोसफी का मतलब दर्शन। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपसे पूछा गया है। देखिए वीडियो लंबी हो तो इट्स फाइन, हम एक रिविजन क्लास ले रहे हैं और एक ही वीडियो में आपको बहुत ऐसे सारे प्रश्न मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं। चलिए, दर्शन का मतलब किताबी मतलब से पहले आप थोड़ा सा समझ जाइए। आपसे अक्सर एक वर्ड सुना होगा कि आपका दर्शन प्राप्त हुआ। आपका दर्शन प्राप्त का मतलब आपने उनको देख लिया, आप उनको जान गए, वो आपके घर प्रकट हुए। दर्शन का मतलब होता है कि देखना, राइट, उनसे मिलना, उनको समझना। तो दर्शन को अंग्रेजी में हम कहते हैं फिलोसफी, ठीक है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक के दो शब्द फिलोस तथा सोफिया से हुई है। फिलोस का अर्थ होता है अनुराग और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। तो फिलोसफी दर्शन का मतलब होता है आपको ज्ञान के प्रति प्रेम हो जाना, आपको ज्ञान के प्रति जानना, ठीक है। इस प्रकार फिलोसफी अर्थात दर्शन का शाब्दिक होता है ज्ञान, अनुराग अथवा ज्ञान का प्रेम है, ठीक है। तथा सत्य की खोज करना और उसके वास्तविक स्वरूप को प्रयोग वाले व्यक्ति को दार्शनिक कहा जाता है। और जो उस ज्ञान, उस सत्य, उस प्रेम को अपने जीवन में प्रयोग करता है उसे हम दार्शनिक व्यक्ति कहते हैं, फिलोसफर कहते हैं। तो फिलोसफी का मतलब क्या हुआ दोस्तों? फिलोसफी का मतलब हुआ, फिलोसफी का शाब्दिक अर्थ है कि ज्ञान तथा अनुराग अथवा ज्ञान का प्रेम, आपको ज्ञान का प्रेम हो जाना ही दर्शन कहलाता है। अब आई फिलोसफी तो हो गई, अब हम देखते हैं कि फिलोसफर किसे कहते हैं। तो प्लूटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिखा है कि जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने तथा नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है तथा कभी संतुष्ट नहीं होता उसे दार्शनिक कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो फिलोसफर होते हैं ना वो बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं और बहुत ज्यादा डिस्कशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि फिलोसफर कौन से होते हैं? अरस्तु ने कहा, प्लूटो ने कहा था कि वह व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त करने तथा नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है तथा कभी खुद को संतुष्ट नहीं करता उसे दार्शनिक है। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है इसी से संबंधित, वो है शिक्षा का, शिक्षा दर्शन का। हमने फिलोसफी देखा, हमने फिलोसफर को जाना। शिक्षा दर्शन मतलब एजुकेशनल फिलोसफी, मतलब शिक्षा का दर्शन क्या होता है? तो बिल्कुल ज्ञान प्राप्त करने का प्रेम दर्शन कहलाता है। तो शिक्षा दर्शन मतलब शिक्षा के संबंधित ज्ञान प्राप्त करना, राइट। तो शिक्षा दर्शन दर्शन की वह शाखा है जिसमें हम शिक्षा संबंधित समस्याओं पर दार्शनिक दृष्टिकोण से विचार करते हैं, ठीक है। यह एक प्रयुक्त दर्शन है। जब हम विशुद्ध दर्शन के आधारभूत प्रत्ययों का सिद्धांत का प्रयोग कर शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं तो उसे हम शिक्षा दर्शन कहते हैं। सिंपल सा कहने का मतलब यह है कि जब हम अपनी दार्शनिक विचारधारा शिक्षा में प्रयोग करते हैं तो हम उसे शिक्षा दर्शन कहते हैं। चलिए, दर्शन जीवन की समस्याओं को दार्शनिक दृष्टिकोण से समझ का प्रयास करता है और उसी के लिए समाधान के लिए समाधान दिया जाता है। शिक्षा उसका व्यवहारिक रूप है। मतलब दर्शन जो है ना, आप डीप मीनिंग, जब किसी चीज को दर्शन बहुत डीप मीनिंग सोचते हैं तो उससे ना एक समझ प्राप्त होता है। तो शिक्षा में आपको दार्शनिक रूप में सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर शिक्षा से संबंधित जो समस्याएं हैं उस पर समाधान प्रस्तुत करना है, क्या कहलाता है? शिक्षा दर्शन कहलाता है।
अब शिक्षा दर्शन की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। शिक्षा दर्शन की परिभाषा, हैंडरसन ने कहा था कि शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है। सेम चीज जो मैंने आपको कहा कि फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ फिलोसफी टू देन स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन, जो भी शिक्षा से संबंधित समस्याएं हैं उसके अंदर दार्शनिक विचारधारा दार्शनिक सोच। ओके, टी ई सिल्स ने कहा था कि शिक्षा दर्शन का कार्य शुद्ध दर्शन द्वारा प्रतिपादित सत्यों एवं सिद्धांतों को शैक्षिक प्रक्रिया में संचालन में प्रयोग करना है। तो ये हो गया शिक्षा दर्शन की दो परिभाषाएं, आपसे अक्सर पूछता है शिक्षा दर्शन की परिभाषा। अब अगला प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट, जैसे मान लीजिए सवाल आपसे ये पूछता है कि शिक्षा और दर्शन में संबंध क्या है, या फिर एक सवाल पूछता है कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के की दो पहलू हैं, इसकी व्याख्या करें। तो देखिए, शिक्षा और दर्शन में संबंध अटूट है, दोनों एक ही दूसरे पे आश्रित है। शिक्षा दर्शन पे, दर्शन शिक्षा पे आश्रित है, या दोनों ऐसे एक सिक्के के दो पहलू के समान है। जहां शिक्षा दर्शन का आधार है, जो शिक्षा है ना वह दर्शन का आधार माना जाता है। आप जितने ज्यादा शिक्षित होंगे उतने ज्यादा आप ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शन का आधार क्या है? शिक्षा है, जबकि दर्शन शिक्षा का आदर्श है। और शिक्षा का आदर्श मतलब किसी चीज को देखना समझना, अर्थात जितना आप ज्ञान को प्राप्त करेंगे उतना ही बेहतर एक शिक्षित व्यक्ति बनेंगे। तो शिक्षा दर्शन का आधार है और दर्शन शिक्षा का आदर्श, ठीक है। शिक्षा वास्तव में दर्शन के गतिशील व्यवहारिक पक्ष है। शिक्षा वही उपयोगी व सार्थक होती है जो किसी दर्शन से प्रभावित होकर, मतलब शिक्षा वही उपयोगी है जो किसी दर्शन से प्रभावित होकर, जो आप किसी ज्ञान के प्रति प्रेम करके आप जब शिक्षा को ग्रहण करेंगे ना, वही शिक्षा ज्यादा उपयोगी व सार्थक होती है। एक दार्शनिक शिक्षा द्वारा ही दर्शन संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अगर मान लीजिए आपको फिलोसोफर बनना है तो उसके लिए भी तो आपको शिक्षा हासिल करना है, तो एक दार्शनिक शिक्षा के द्वारा ही फिलोसोफर बन सकता है, दार्शनिक शिक्षा हासिल कर सकता है। दर्शन जीवन के उस वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करता है जो शिक्षा को प्राप्त करना है, और दर्शन शिक्षा के स्वरूप की व्याख्या करता है। इस व्याख्या से हम शिक्षा का संप्रत्यय ज्ञान होता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि शिक्षा और दर्शन में एक गहन संबंध है, और शिक्षा और दर्शन एक दूसरे के एक सिक्के के दो पहलू के समान। चलिए कुछ और प्रश्न देखेंगे, थोड़ा आराम से देखेंगे, कोई जल्दी बात नहीं है। एक दिन आप हमें दे दीजिए, कुछ समय हमें दे दीजिए, आपका यह सब्जेक्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए अगला हम प्रश्न देख लेते हैं, शिक्षा में दर्शन की आवश्यकता क्यों, फिलोसफी को एजुकेशन में लाने की जरूरत क्यों पड़ी, शिक्षा का दर्शन में क्या आवश्यकता है। दर्शन शिक्षा को आधार प्रदान करता है, सही बात है, ठीक है। दर्शन की सहायता के बिना शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। शिक्षा दर्शन के क्षेत्र में अत्यंत व्यापक है। शिक्षा के अंतर्गत अपनाए जाने वाले सिद्धांत, विधियां, विश्लेषण इत्यादि सभी दर्शन के विषय हैं। प्रत्येक शिक्षक, यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रत्येक शिक्षक का अपना एक दार्शनिक दृष्टिकोण होता है। हर एक शिक्षक अपने तरीके से सोच सकता है ज्ञान के बारे में, बच्चों के बारे में। शिक्षक के दृष्टिकोण का प्रभाव बालकों के दृष्टिकोण पर भी पड़ता है। अगर मान लीजिए शिक्षक सकारात्मक सोच वाला है तो बच्चे भी सकारात्मक होंगे, और शिक्षक अगर नकारात्मक सोच वाला है तो वो भी नकारात्मक होंगे। तो बालकों के प्रति शिक्षक की भूमिका, कर्तव्य एवं कार्यों का विवरण तैयार करने के लिए शिक्षा दर्शन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ये वाले पॉइंट को आप बिल्कुल याद रखिएगा, अभी हम फिर से डिस्कस करेंगे शिक्षक के बारे में, ठीक है। आइए कुछ और पॉइंट देख लेते हैं कि शिक्षा में दर्शन की आवश्यकता क्या है। तो शिक्षा संबंधित समस्याओं को हल करने में शिक्षा दर्शन की सहायता करती है, और शिक्षा के उद्देश्यों का प्रतिपादन करना, शिक्षा के पाठ्यक्रम का समाज और राष्ट्र के दृष्टिकोण से विकास करना एवं शिक्षण विधियों में इसकी उपयोगिता एवं प्रक्रिया ज्ञान प्रदान करना, ये सब शिक्षा दर्शन के कार्य हैं। शिक्षा दर्शन का मतलब आप पाठ्यक्रम कैसे निर्माण करेंगे, अब वो पाठ्यक्रम समाज के लिए कितना उपयोगी है, कौन सी शिक्षण विधि, कौन सा शिक्षण शैली, कौन सा कौशल इस्तेमाल करेंगे, इन सब का आधार क्या है, शिक्षा दर्शन है दोस्तों। चलिए शिक्षा प्रक्रिया को सार्थक बनाने के लिए शिक्षा दर्शन का अध्ययन आवश्यक है, आप कंक्लूजन में लिखिए, इससे शिक्षा संस्थाओं को उचित प्रबंधन प्रशासन स्वरूप का विकास किया जाता है। अब आइए, एक बड़ा अच्छा प्रश्न पिछली बार आपसे पूछा गया था कि एक शिक्षक के लिए शिक्षा दर्शन की क्यों आवश्यकता है, मतलब वाई एजुकेशन फिलोसफी इज इम्पोर्टेंट फॉर द टीचर, ठीक है। तो आप उसी चीज को रिपीट कर सकते हैं कि जैसे प्रत्येक शिक्षक का एक अपना दृष्टिकोण होता है, जो दार्शनिक दृष्टिकोण होता है। शिक्षक के दृष्टिकोण का प्रभाव बालकों के दृष्टिकोण पर पड़ता है। बालक के प्रति शिक्षक की भूमिका, कर्तव्य और कार्य का विवरण करने की शिक्षा दर्शन की आवश्यकता होती है। इसीलिए एक शिक्षा दर्शन की आवश्यकता हर एक शिक्षक को होती है। तो सेम वही चीजें रिपीट की है, क्योंकि शिक्षा में शिक्षा संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए दर्शन की सहायता होती है, शिक्षा के उद्देश्य प्रतिपादन करने के लिए। तो ये सारे सेम पॉइंट्स हैं। अगर आपसे सवाल ये पूछता है कि शिक्षा दर्शन एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है, तो आप इसी चीज को जरूर लिखिए। चलिए अब यहां से हम कुछ और चीज देखेंगे, यहां से एक नया पॉइंट शुरू होता है।
कि जो शैक्षिक दार्शनिक थे ना, भारत के दार्शनिक विचारधारा के, जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, तो सवाल आपसे यहाँ से पूछ लेगा कि महात्मा गांधी का शिक्षा में योगदान बताइए, या फिर सवाल आपसे ये भी पूछ लेता है कि महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन पे विचार बताइए, या महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा दर्शन की परिभाषा बताइए, या महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा क्या होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछते हैं, तो चलिए इन सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम महात्मा गांधी जी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। गांधी जी को भारत के राष्ट्रपिता के नाम से और बापू जैसे सम्मानित शब्द से पुकारा जाता है। महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन जो था वो मनुष्य के शरीर मन तथा आत्मा के सर्वांगीण विकास को भी प्रेरित करता है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा वो है जो आपके शरीर मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास करे, कंप्लीट डेवलपमेंट करे। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा वो है जो बालक के शरीर मन आत्मा का विकास करे। अच्छा, महात्मा गांधी जी ने शिक्षा दर्शन में एक 3H की फॉर्मूला दिया था, 3H की संज्ञा। उनका आशय था कि हेड हैंड हेड और हार्ट, मतलब हैंड एच हाथ, हृदय और आपका हार्ट, हेड हाथ सॉरी हैंड हेड और हार्ट मतलब हाथ दिल और आपका दिमाग, ये तीनों का आपका डेवलपमेंट हो, वही शिक्षा कहलाती है। तो यहाँ से प्रश्न शुरू होता है कि महात्मा गांधी जी के शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत क्या थे, आपसे ये प्रश्न पूछ लिया। या फिर आपसे बड़े क्वेश्चंस में लॉन्ग या शॉर्ट में आपको महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन पूछता है तो आप ये हेडिंग डालिए कि महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत क्या है। तो गांधी जी ने शिक्षा को अपने शब्द में परिभाषित करते हुए कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर मन तथा आत्मा का सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास होना चाहिए। और गांधी जी ने 7 आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन किया जो इस प्रकार है। किस प्रकार है? गांधी जी के अनुसार शिक्षा के सिद्धांत का मतलब सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिले। उनका सिद्धांत था कि शिक्षा बेच नहीं सकते, सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। और यहाँ भी आप ध्यान दीजिए, उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा की भी बात करी। शिक्षा का माध्यम उन्होंने मातृभाषा कहा। साक्षरता और शिक्षा अलग अलग है, इनको एक न बनाया जाए, एक न माना जाए। उन्होंने कहा कि साक्षरता और शिक्षा अलग अलग है। देखिए कितनी अच्छी बात है, बालक को ऐसी शिक्षा दी जाए जो उसके हृदय मन और आत्मा को संतुलित विकास करे। 3H की बात यहाँ पे की गई है। और शिक्षा से स्थानीय उद्योग का माध्यम बने, मतलब शिक्षा ऐसी हो जहाँ पे स्थानीय उद्योग, जैसे कि शिक्षा महात्मा गांधी खुद चरखा चला के कपड़े बुनना, तो उनका मानना था कि ऐसी शिक्षा हो जैसे कि सूती के कपड़े बुनना, खेती के बारे में, कपास का उत्पादन, ये सारी चीजें, मोम से कुछ चीजें बनाना, मूर्ति बनाना, ये सारी चीजों को शिक्षा के अंदर रखना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि शिक्षा का स्थानीय उद्योग का माध्यम बनाया जाए और शिक्षा को रोजगार पारक और पढ़े लिखे बेरोजगार न हो, मतलब शिक्षा को ऐसा बनाया जाए जहाँ से लोग क्या करें, अपने रोजगार की प्राप्ति करें। तो ये उनके 7 आधारभूत सिद्धांत है। चलिए महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा और आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य था, अगर आप ऐसे सवाल पूछ सकते हैं, नहीं तो आप हेडिंग डाल के बड़े क्वेश्चंस में इसको लिखिए। तो महात्मा गांधी के अनुसार रोजगार का साधन, ठीक है, सबसे पहला आपका हेडिंग क्या है कि रोजगार का साधन होना चाहिए महात्मा गांधी के अनुसार। दूसरा सांस्कृतिक लक्ष्य, अर्थात सांस्कृतिक लक्ष्य मतलब गांधी जी ने शिक्षा को सांस्कृतिक का आधार माना, बालक को ऐसी शिक्षा दी जाए अपनी संस्कृति के प्रमुख को जोड़ कर रखे, आपकी जो अपनी भारतीय संस्कृति है उन संस्कृति से बच्चे दूर ना हो, अलग ना हो, अपने सांस्कृतिक लक्ष्य को बरकरार रखे, अपनी सांस्कृतिक चीजों को हमेशा से जाने, ऐसी शिक्षा का उद्देश्य उन्होंने माना। बालक का समग्र विकास, मैंने बताया ना कि 3H हैंड हेड और हार्ट, सर्वांगीण विकास की बात करी उन्होंने। और गांधी जी ने नैतिक एवं चारित्रिक उत्थान पर बल दिया। महात्मा गांधी ने शिक्षा का 5वां उद्देश्य मुक्ति बताया, अर्थात सभी तरह के बंधों से मुक्ति, जो बालक को एक आध्यात्मिक स्वतंत्रता और सत्य और ईश्वर की प्राप्ति में शिक्षा का समन्वित करने लगा। उन्होंने मुक्ति बताया कि एक बच्चा, एक शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि बच्चा ना किसी पुरानी प्रथाओं में या पुरानी रूढ़िवादी वो बटा ना, वो बंधा ना रहे, वो अपने आप को मुक्त रखे, अच्छी चीजों को जाने, जो सही हो सही को, सही को सही कहे, गलत को गलत कहे। तो चलिए अब महात्मा गांधी का मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि महात्मा गांधी का बेसिक अथवा बुनियादी शिक्षा में योगदान, कई बार सवाल पूछता है तो आप इसको लिखिए। शिक्षा के क्षेत्र में गांधी जी का बेसिक शिक्षा का फॉर्मूला एक महानतम देन है। उन्होंने बच्चों को बुनियादी शिक्षा कैसी हो उसका स्वरूप, इसका संपूर्ण मॉडल प्रस्तुत किया। 1937 में वर्धा के राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के दौरान भारत में शिक्षा का यह मॉडल प्रस्तुत किया गया था, जिसमें 10वीं तथा 10वीं तक अंग्रेजी मुक्त कुटीर उद्योग आधारित शिक्षा की बात की गई थी। और उस समय जाकिर हुसैन समिति द्वारा गांधी जी द्वारा प्रस्तावित स्कूली शिक्षा योजना को तैयार की गई। 1938 में हरिपुर सम्मेलन में इसे स्वीकृति मिली थी और गांधी जी की
बुनियादी शिक्षा वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो वर्धा सोचा शिक्षा योजना की बात की जा रही है। उन्होंने ये 1937 में वर्धा शिक्षा के राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुति किया था और 1938 ईस्वी में इसकी स्वीकृति दी गई। तो यहाँ तक हो गया दोस्तों गांधी जी के बारे में शिक्षा के दर्शन का विचार। अगर अगला सेम ऐसे ही पूछा है दोस्तों कि उन्होंने जो बुनियादी शिक्षा पे अपने विचार प्रस्तुत किए थे रखे थे उसका बुनियादी उसका विशेषता क्या था, उन्होंने क्या रखा। उन्होंने अपनी बुनियादी शिक्षा में यही कही थी कि बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम 7 वर्ष की अवधि तक होना चाहिए और 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई थी। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा मगर हिंदी भाषा सभी के लिए अनिवार्य रहेगी। बुनियादी शिक्षा का आधार शिल्प था, मतलब शिल्प की बात की गई थी और शिल्प शिक्षा के माध्यम से बालकों को आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाने का उद्देश्य। शिल्प शिक्षा में सामाजिक एवं वैज्ञानिकता को वैज्ञानिक शिक्षण को महत्व दिया जाए और शारीरिक श्रम की महत्व को। दोस्तों ये हो गई बुनियादी शिक्षा की विशेषताएं। चलिए उनकी विशेषताओं में कुछ और पॉइंट है कि यह शिक्षा उनके परिवेश गाँव शिल्प उद्योग घनिष्ठ संबंधित होता है। बालक स्वयं निर्मित उत्पाद का विक्रय कर विद्यालय पर व्यय कर सके और लड़के और लड़कियों के लिए सामान्य पाठ्यक्रम और 6 और 7 में पढ़ने वाली बालिकाएं बेसिक शिल्प में गृह विज्ञान ले सकती हैं। पाठ्यक्रम का स्तर 10वीं तुल्य हो, पाठ्यक्रम में धर्म और अंग्रेजी का कोई स्थान ना। ये बेसिक और बुनियादी शिक्षा की बात। तो अभी तक हमने देखा गांधी जी के बारे में दर्शन, गांधी जी के शिक्षा दर्शन के बारे में। ठीक उसी प्रकार से आपसे पूछता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के शिक्षा दर्शन का क्या मतलब है, शिक्षा में उनका योगदान क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है और रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का सिद्धांत क्या है। दोस्तों रिवीजन क्लास है तो थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी मगर कोई बात नहीं। हमने कहा कि ऐसे ऐसे 3 से 3 वीडियो में हमें पूरा सब्जेक्ट खत्म करना है, इसीलिए इस वीडियो को अभी हम थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे। इस प्रश्न को हम देख के जाएंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार शिक्षा दर्शन कैसा रहा। तो सबसे पहले थोड़ा रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में जान लेते हैं। अगर लॉन्ग में पूछे तो आप ऐसे यहाँ से शुरू करिए कि देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को बंगाल के एक शिक्षित धनी तथा सम्मानित परिवार में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को रविन्द्रनाथ ठाकुर अथवा गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। गुरुदेव जी विश्वविख्यात कवि साहित्यकार दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता है और गुरुदेव जी एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं उन्होंने 2 राष्ट्रीय गानों का, देश के राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला के ये रचयिता थे। तो आपने देखा इनको कविताओं से संगीत से भी बड़ा प्रेम था। तो चलिए अब टैगोर जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है। वो टैगोर जी ने अपनी पुस्तक पर्सनालिटी में लिखा है कि सर्वोत्तम शिक्षा वो है जो संपूर्ण सृष्टि को हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित कर दे, संपूर्ण जीवन से सामंजस्य स्थापित कर दे पूरे दृष्टि से पूरे संसार से। द हाईएस्ट एजुकेशन इज दैट व्हिच मेक्स इन आवर लाइफ हारमोनी विद द एग्जिस्टेंस। जो भी चीजें संपूर्ण दृष्टि में ना उससे हमारा एक सामंजस्य स्थापित हो जाए, चीजों को हम समझ जाए, यही शिक्षा का क्या है सर्वोत्तम शिक्षा है। संपूर्ण दृष्टि से रविन्द्रनाथ टैगोर का आशय था कि संस्कार के प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो किसी देश का नागरिक हो, प्रत्येक सजीव प्राणी तथा संसार के हर वर्ग लोगों से प्रेम एवं सद्भाव की सामंजस्य स्थापित हो जाए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार शिक्षा का यह अर्थ था। बिल्कुल आसान से शब्दों में आपको मिला यहाँ पे। चलिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार या फिर रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के अनुसार या फिर गुरुदेव के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या था। दोस्तों शिक्षा का उद्देश्य उन्होंने कहा कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास, समस्त शक्तियों का विकास, सामाजिक विकास, राष्ट्रीयता का विकास और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास। ठीक है, तो ये हो गया संपूर्ण उद्देश्य का रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में। थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको। अगर आपको शॉर्ट में पूछता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शिक्षा का उद्देश्य, तो आप पॉइंट वाइज लिखिएगा। लेकिन अगर आपसे 8 नंबर या 15 नंबर में पूछता है तो पहले रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ लिखिए, उसके बाद इन बिंदुओं पे आपको थोड़ा सा व्याख्या करना पड़ेगा कि शारीरिक विकास का मतलब क्या, मानसिक विकास का मतलब क्या। अगर 8 नंबर या 15 नंबर में पूछता है तो आपको थोड़ा सा व्याख्या करना पड़ेगा कि शारीरिक विकास का मतलब कि टैगोर का विश्वास था कि स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ शरीर परम आवश्यक है। तो इस प्रकार से आप व्याख्या करिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन अभी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से एक्सप्लेन कर। अब आइए ठाकुर जी यानी गुरुदेव जी के अनुसार शिक्षा दर्शन का सिद्धांत उन्होंने क्या दिया। उन्होंने छात्रों में संगीत, अभिनय, चित्रकला योग्यताओं के विकास के बारे में बात की, क्योंकि वो खुद बड़े संगीत और चित्रकला से प्रेम करते थे। अब आइए छात्रों को भारतीय विचारधारा और भारतीय समाज की पृष्ठभूमि का स्पष्ट ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। छात्रों को उत्तम मानसिक भोजन देना चाहिए जिससे उनका विकास विचारों में के पर्यावरण हो सके। अच्छे भोजन से ही आपके अच्छे विचार आते हैं, उनका ये मानना था।
छात्रों को नगर की गंदगी और अनैतिकता से दूर प्रकृति के घनिष्ठ संपर्क में रखकर शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा राष्ट्र होनी चाहिए और उसे भारत के अतीत एवं भविष्य का पूर्ण ध्यान में रखकर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत गुरुदेव जी ने दिया था, शिक्षा का समुदाय के जीवन से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। उसे सजीव और गतिशील होने के लिए व्यापक दृष्टिकोण, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, क्योंकि विदेशी भाषा द्वारा अत्यंत मूल्यों की प्राप्त नहीं की जा सकती। और उन्होंने कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि व्यक्ति में भी जन्मजात शक्तियों एवं उनके व्यक्तित्व का सार्वगीण सामंजस्यपूर्ण विकास करना, और जन साधारण को शिक्षा देने के लिए प्राथमिक विद्यालयों को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए, और यथासंभव शिक्षा की विधि का आधार जीवन, प्रकृति और समाज की वास्तविक परिस्थिति होनी चाहिए, मतलब जो भी वास्तविकता है ऐसी परिस्थिति। तो दोस्तों ये संपूर्ण उन्होंने शिक्षा के सिद्धांत थे। ठीक है, चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट मत दीजिए, मैं इसका पीडीएफ शेयर करूंगा। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का एक लिंक है, वहां से जुड़ जाइए। मैंने जो भी चीजें बताई ना, मैं उसका पीडीएफ वहां पे शेयर करूंगा, क्योंकि वीडियो अब खत्म होने वाली है। वीडियो को हम खत्म करने वाले हैं। हमने 24 प्रश्नों को देखा, लेकिन ये 24 प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने चीजों को समझा आसान से शब्दों में कि आपको लिखना कैसे। अब आई टैगोर जी ने शिक्षण विधियां क्या बताई, उनके अनुसार शिक्षण विधि कैसी होती है। उनका मानना था कि ना टूर से, मतलब उनको लगता है कि भ्रमण के दौरान बेहतर शिक्षा हो सकती है, तो बच्चों को कुछ चीज बताना है, थोड़ा सा भ्रमण करके टूर पे ले जाके बच्चों को पढ़ाया जाए, डिस्कशन से पढ़ाया जाए, प्रश्नोत्तर विधि क्वेश्चन आंसर से डिस्कस करके पढ़ाया जाए, क्रिया विधि एक्टिविटी, थोड़ा सा बच्चों की एक्टिविटी करके पढ़ाया जाए, मातृभाषा में शिक्षण दी जाए, खेल एवं शिक्षण और स्व अनुभव द्वारा शिक्षण, मतलब सेल्फ प्रैक्टिस, लर्निंग विद एक्सपीरियंस, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। ठीक है, तो उनका ये मानना था, ये सारी शिक्षण विधियां उनको मान। चल लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं कि टैगोर जी के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। देखो तो टैगोर जी खुद एक गुरुदेव थे, उन्हें गुरुदेव कहा जाता है। टैगोर जी ने पाठ्यक्रम को विस्तृत बनाने के फर्ज थे, उनके अनुसार पाठ्यक्रम इतना व्यापक होना चाहिए कि उसकी परिधि के अंदर बालक जीवन के सभी पक्षों का विकास हो सके। अतः बालक के समुचित विकास के लिए किया गया प्रधान पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। और उन्होंने प्रारंभ में अपने शांति निकेतन स्थित विद्यालय में, जो उनका विद्यालय था शांति निकेतन, उन्होंने अपने अपने विद्यालय में पाठ्यक्रम को इस प्रकार रखा था। विषय, उन्होंने कहा कि एक विषय होना चाहिए, जैसे विषय में आपकी मातृभाषा संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, प्रकृति अध्ययन, कला, इन सारी चीजों को पढ़ाया जाए। और उपयोगी वस्तुओं में उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत बागवानी, कृषि, क्षेत्रीय अध्ययन, ब्राह्मण, विभिन्न वस्तुओं का संग्रहण, प्रयोगशाला और अन्य क्रियाओं में जैसे खेलकूद, नाटक, संगीत, नृत्य, मौलिक रचनाएं और ग्रामोत्थान और समाज सेवा। तो इन्होंने भी जैसे समाज सेवा, कृषि, इन सब को उन्होंने पाठ्यक्रम का हिस्सा माना। इस प्रकार के पाठ्यक्रम की को प्रस्तावित किया टैगोर जी ने, रविन्द्रनाथ ठाकुर। अब आइए दोस्तों इस वीडियो को यही खत्म करेंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हम और देख लेते हैं, जैसे कि समाजशास्त्र और समाजीकरण क्या होता है। हालांकि इस पे एक वीडियो बन चुकी है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, फिर इस वीडियो को हम खत्म करें। तो समाज शास्त्र को हम अंग्रेजी में कहते हैं सोशियोलॉजी, राइट। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक आप बोर नहीं होंगे, थोड़ा सा और आगे आप यहां तक जुड़े तो थोड़ा सा और समझ। देखिए समाज शास्त्र बिल्कुल आसान से शब्दों में मेरे वीडियोस में मिलते हैं। तो समाज शास्त्र को अंग्रेजी में कहते हैं सोशियोलॉजी, और जो सोशियोलॉजी है ना, वो दो शब्दों से मिलकर बने हैं, ग्रीक के सोशियस और लोजोस। लोगोस, सोशियस का मतलब होता है कि समाज, यानी कि सोसाइटी, और लोगोस का मतलब होता है साइंस। तो सोशियोलॉजी का मतलब क्या हो जाता है कि साइंस, साइंस ऑफ सोसाइटी, समाज का विज्ञान। समझ में आ गई बात। ठीक, इसी चीज को आप हिंदी में लिखिए अगर आपसे समाज शास्त्र के बारे में पूछता है। तो समाज शास्त्र शब्द को अंग्रेजी में सोशियोलॉजी कहते हैं। सोशियोलॉजी दो शब्द बन गया, सोशियस और लोगोस। सोशियस का अर्थ होता है समाज और लोगोस का अर्थ होता है विज्ञान, यानी कि समाज का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, समाज शास्त्र कहलाता है। अब जब आप समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे, पहले परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा भी बिल्कुल उसी से मिलेंगी आपको, अकॉर्डिंग टू वर्ड के अनुसार समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी, और गिडिंग्स ने कहा था कि सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। बिल्कुल सेम चीजें, समाज शास्त्र समाज का सामाजिक अध्ययन है, और ऑडम ने कहा था कि सोशियोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडी सोसाइटी। समाज शास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन। समझ में आ गई बात। ये तीन परिभाषाएं तो आपको बिल्कुल याद हो जानी चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान परिभाषाएं हमने आपके लिए ले आई। अब जब समाज का आप वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे तो उसका उपयोग क्या होगा, उसकी आवश्यकता क्या होगी, उसका महत्व क्या होगा। जब हम समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे तो हमें समाज का ज्ञान होगा। इस पॉइंट पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अगर आपको 8 या 15 नंबर में पूछता है। ठीक है,
हमें सामाजिक संबंध, समाज के साथ हमारा रिलेशन अच्छा होगा, सामाजिक सामाजिक व्यक्ति बनेंगे, सामाजिक आचरण डेवलप होगा और समाज की समस्याओं को आप समाधान कर सकते हैं और शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं कि शिक्षा समाज के लिए क्या जरूरी है। इन सारी चीजों को आप प्राप्त कर सकते हैं कब, जब आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी अर्थात समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे तब। ठीक है दोस्तों, चलिए खत्म करेंगे इस वीडियो को, कुछ और पॉइंट देख लेते हैं कि समाज शास्त्र की विशेषताएं क्या है। भाई ये स्वतंत्र है, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कि आप आइए समाज के प्रति अच्छे व्यक्ति बनिए, ये स्वतंत्रता है। समानता, समाज के हर एक वर्ग को एक समान समझना, ये समानता है। एक सामाजिक सोच है, ठीक है, एक अच्छा सोशल सोच, सामाजिक सोच। अहिंसा मतलब झगड़ा मारपीट इन सबसे दूर रखने की बात करता है। प्रतिस्पर्धा का मतलब एक कॉम्पिटिशन होता है, समाज आपको ये अवसर देता है कि आप जितना बेहतर है उतने आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ऑपोजिट इवेल बुराइयों को विरोध करें और नेशन फर्स्ट मतलब राष्ट्र को प्राथमिकता दें, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, अपने देश को प्राथमिकता। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो को हम यही खत्म करेंगे। अब आ गया समाजीकरण, लास्ट पॉइंट है दोस्तों। समाजीकरण का मतलब, समाज शास्त्र मतलब समाज का अध्ययन था और समाजीकरण का मतलब एक व्यक्ति को समाज के प्रति अपने आप को ढाल लेना, एक सामाजिक व्यक्ति बन जाना। समाजीकरण का मतलब यही होता है कि आपको समाज से जुड़ जाना। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति एक सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है और वह अपने समूह के कार्य करने को ढंग को समझता है, परंपराओं और सामाजिक मूल्यों से अनुकूलन करता है तथा स्वयं को अन्य सदस्यों के अनुरूप में ढालता है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिससे इंसान समाज से खुद को जोड़ लेता है, संस्कृति से खुद को जोड़ लेता है और समाज के अन्य सभी लोगों के साथ मिलकर काम करने का प्रण लेता है और उन जैसा बन जाता है। ठीक है, समाजीकरण की एक परिभाषा यहाँ पे दिया गया है बोगार्डस के अनुसार कि एक प्रक्रिया, समाजीकरण क्या है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह के दूसरों लोगों के साथ काम करने और समूह के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूरा करना सीख जाता है कि समाज और समाज कैसे। लास्ट पॉइंट है दोस्तों प्रश्न संख्या 30, जैसा कि मैंने वादा किया था और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि समाजीकरण का सहायक फैक्टर क्या है, कि कौन कौन सी चीजें ऐसी सहायता करती हैं एक बच्चे को सामाजिक व्यक्ति बनने में। तो सबसे पहला उसका परिवार होता है दोस्तों। कई बार ये सीटेट में आपसे पूछा गया है कि समाजीकरण का पहला फैक्टर या समाजीकरण का पहला एजेंसी कौन है, वो परिवार है, दूसरा विद्यालय होता है। ठीक है, तो परिवार, आस पड़ोस, सोसाइटी समाजीकरण के फैक्टर्स होते हैं, कारक होते हैं। मैत्रिक समूह, यहाँ पे मैत्रिक तो मैत्रिक कर लिया, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, आपकी शिक्षण संस्थाएं कैसी और आपकी धार्मिक संस्थाएं कैसी, शिक्षण संस्थाएं अर्थात आपका विद्यालय। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, समाजीकरण का एक फैक्टर होता है। समाजीकरण की विशेषता ये है, समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है, समाजीकरण एक निरंतर प्रक्रिया है, समाजीकरण की प्रक्रिया सापेक्षित होती है, समाजीकरण में सांस्कृतिक तत्वों को प्रोत्साहित दिया जाता है और समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा संस्कृति का हस्तांतरण होता है। मतलब जब इंसान सामाजिक होता है ना, तो वो अपनी अपने अपनी संस्कृति को बचाए रखता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर छठ पूजा, छठ पूजा क्या है, आपकी एक संस्कृति है और एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति की यह विशेषता है कि वो अपनी संस्कृति को बचाए रखे, हस्तांतरण करे, उसका संरक्षण। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको बस इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब वीडियो कैसी लगी आपको, कमेंट में आप अपने राय दें, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मैंने बड़ी मेहनत करी इस वीडियो को बनाने में, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई। दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट हमें मोटिवेट करेंगे और मुझे लगेगा कि यह मेरी कोशिश कैसी थी और मैं इस चीज़ को आगे कहां तक जारी रख पाऊंगा। ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं आपके फीडबैक से, आपके कमेंट में। अगर अच्छी ना लगी हो वो भी बताएं ताकि मैं अपने वीडियो में सुधार करूं, और अच्छी लगी हो तो वो भी बताएं ताकि मैं इस चीज़ को जारी रखूं। तो दोस्तों बहुत 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 शुक्रिया आप सभी को इस वीडियो से जुड़ने के लिए। लाइक कर दें वीडियो को, क्योंकि आपके लाइक से मेरे वीडियोस पे रीच बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे। और अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़िए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, तो उन्हें भी जोड़िए, आइए साथ मिलकर पढ़ते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बहुत 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 शुक्रिया आप सभी का। मिलेंगे अगली वीडियो में, सेकेंड सीरीज़ के साथ इस सब्जेक्ट को ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद हम अगले सब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।